शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का अनुमोदन कहता है कि आपकी जो भक्ति है, भगवान धन से, संपदा से, या सत्ता से, या वैभव से, या दौलत से भगवान कभी नहीं रिझता। अगर भगवान को चाहिए तो तुम्हारा केवल निर्मल मन चाहिए, भगवान को और कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हारा केवल मन। उसके सिवा भगवान तुम्हारे वैभव से, तुम्हारे पास में कितनी गाड़ी है, कितना बंगला है, कितना धन है, कितना वैभव है, कितनी सत्ता है, कितनी दौलत है, भगवान को उससे कोई मतलब नहीं। भगवान को अगर मतलब है तो केवल तुम्हारे मन से मतलब है। शबरी अम्बा के दरवाजे पर भगवान गए, क्या दिया शबरी अम्बा ने, भगवान को क्या प्रदान करा शबरी अम्बा ने, केवल एक झूठे बेर। और झूठे बेर के सिवा भगवान कुछ ले भी नहीं रहा है। अब तुम शंकर जी को क्या देते हो, अगर शबरी अम्बा ने भगवान राम को झूठा बेर दिया है तो आपने कौन सा अच्छी चीज दी थी भगवान को? जल दिया वो मछली का झूठा था, दूध दिया वो बछड़े का झूठा था, फूल दिया वो भवरे का झूठा था, मिठाई बना कर दी वो चींटी की झूठी थी, तुमने दिया क्या? और ये मनुष्य का शरीर दिया भगवान के चरणों में, ये भी तो झूठा है, फोन पे तो तुरंत कह देता है, माता तारे बिना एक बिना नी रू, एक मिनट नी रू, तेरी तो मुझे बहुत याद आए, और भगवान के पास जाए कि तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है, भगवान के रेंदे रे झूठेला। भगवान भी कहते काय को झूठ बोले, अभी फोन पे बोल रहा था, मेरे को थारी याद आ रही, तेरे बिना एक मिनट नहीं रह सकता, तू तो हमारे हृदय में बसी, ने तू तो हमारा चित्त वृत्ति में बसी। और मंदिर पहुंचाने अगरबत्ती लगाते लगाते बोला, तन मन धन सब कुछ तेरा, भगवान के आ गया भेरू झूठेला। भगवान सोचे काय आया, अगर शबरी अम्बा ने झूठा बेर दिया है तो हमने कौन सी अच्छी चीज भगवान को दे दी है, हमने क्या भगवान को अच्छा दे दिया है? हम भी तो झूठा ही दे रहे हैं, पुष्प दिया वो भी झूठा था, जल दिया वो मछली का झूठा था, दूध दिया वो गाय के बछड़े का झूठा था, मिठाई दी वो चींटी की झूठी थी, हम जो परमात्मा को दिए वो सब कुछ झूठा था। यहाँ तक हम भगवान का जो स्मरण भी कर रहे हैं, कई लोग भगवान के मंदिर में बैठकर घंटों तक माला पकड़कर भी अगर भगवान के मंदिर में बैठकर भजन कीर्तन स्मरण कर रहे हैं तो वो ये सोचे कि नहीं ये सत्य है, तो उसने उसमें भी छल कर दिया। थोड़ी देर तक तो मन लगता है, उसके बाद ये चित्त, ये व्यक्ति, ये मन कहीं ना कहीं डोल जाता है। इस मन को लोग कजन कहां लेकर चले जाते हैं, बड़ा बड़ा कठिन है महाराज, ये बड़ा कठिन। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। भोलेनाथ हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शिव, हे करुणा सागर, ये चित्त, ये मन, ये वृत्ति बड़ी चंचल है। अगर ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति थोड़ी भी परमात्मा में लग गई तो जीवन की सार्थकता हो गई। ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों मिलकर मंथन कर रहे हैं। और एक बात बहुत ध्यान से सुनना, शिव महापुराण के इस चरित्र को याद रखना कि ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने मंथन किया, और मंथन किया तो शंकर भगवान के शिवलिंग को प्रकट किया। आपसे भी निवेदन है, जब दोनों पति पत्नी, भाई भाई, घर के बुजुर्ग, माता पिता, घर के बच्चे, जब एक साथ कहीं बैठे हुए हों तो शिव महापुराण की कथा कहती है, आप भी शिव महापुराण का थोड़ा सा मंथन करो, उस मंथन से जो प्रकट होगा वह तुम्हारे घर का आनंद करा देगा। शिव पुराण का मंथन, थोड़ी देर अपने माता पिता के पास में जाकर बैठा करो, थोड़ी देर
जब घर से जाते हो तो अपने घर में जो मंदिर है, अपने घर में जो देवालय है, अपने घर में जो शिव जी हैं, अपने घर में जो राम जी हैं, अपने घर में जो ठाकुर जी हैं, अपने घर में जो कृष्ण हैं, अपने घर में जो देवता विराजमान हैं, आप उनके पास जाकर बैठकर फिर अपने गंतव्य की ओर अपने कार्य के लिए जाइए। और शाम को जब आओ तो पत्नी और बच्चों से परिवार से बाद में मिलो, सबसे पहले अगर दुकान की चाबी भी लेकर आए हो, थोड़ा सा धन भी लेकर आए हो, थोड़ा सा सामान भी लेकर आए हो, थोड़ा सा व्यापार का कुछ चीज भी आप लेकर आए हो, तो सबसे पहले जाकर भगवान के मंदिर में जो आपके घर में है उसके पास में बैठकर उसको बताया करो, आज मैंने व्यापार करा उसमें ये लाभ हुआ, आज मैंने व्यापार करा उसमें ये हानि हुई, और आपकी कृपा से आज मैंने दुकान व्यापार व्यवसाय आज का पूरा करा। हे देवाधिदेव महादेव, हे मेरे ठाकुर, हे मेरे कृष्ण, हे मेरे राम, आज भगवान की कृपा आपकी कृपा बहुत बनी रही और मेरा सब कार्य सफल हुआ। बाबा को प्रणाम करो, नमन करो और फिर अपने माता पिता परिवार कुटुंब कबीला जिससे मिलना है मिलो, फिर मिलो। आज किसी ने एक प्रश्न किया था सुबह, गुरुदेव अगर भगवान के मंदिर जाना है हमको और शरीर में अगर कष्ट है, शरीर में अगर रोग है, शरीर में अगर बीमारी है, शरीर में अगर दुख है, शरीर में अगर कष्ट है, तो क्या नहाना जरूरी है? शिव महापुराण की कथा कह रही है, मत नहाओ, स्नान कर लो। मत नहाओ, स्नान कर लो। नहाने में और स्नान में जमीन और आसमान का अंतर है। बाथरूम में गए, साबुन लगाया, शैम्पू लगाया और ये सब लगाने के बाद में तुमने जो तुम्हारे ऊपर पानी उंडेला, इसको नहाना कहते हैं। ठीक है, जो तुमने साबुन लगाया, शैम्पू लगाया, पानी डाला, उसको नहाना कहते हैं। और मंदिर में गए अर्थात आप बाथरूम में ना जाकर भी सवेरे से उठे और उसकी भक्ति में लीन होकर दिल से उसको याद कर और मान लो मुंह धोकर भी भगवान के दरवाजे तक पहुंच गए तो उसको स्नान कहा जाता है। कर लिया ना बहू, नहीं है ना शरीर में बल? एक पत्र में लिखा है किसी ने, मैं बदनावर धार के पास बालोदा में रहती हूँ, मेरा नाम शांति बाई कुमावत है, कहीं बैठी हो तो खड़ी हो जाएं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। मेरा नाम शांति बाई कुमावत है, गुरुदेव आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और घूम रही हूँ, ये शिव की ही कृपा है, शंकर की कृपा है। मैं कैंसर से पीड़ित हूं, बहुत सारे अस्पतालों में मेरा इलाज हुआ है, ऐसा कोई हॉस्पिटल गुजरात का, राजस्थान का और महाराष्ट्र का नहीं जहां पर मेरा इलाज नहीं हुआ। रह रहकर कैंसर उपज रहा था, परेशान हो गई थी गुरुदेव, तब बाबा की कृपा से डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हारे शरीर में और ऑपरेशन का दम नहीं बचा, इसलिए अब तुम भगवान के ही सहारे जियो। और डॉक्टर ने अगले ऑपरेशन करने से मना कर दिया। मैं घर आ गई, शिव महापुराण की कथा सुनी और गुरुदेव अब मैंने भी विचार कर लिया कि ये शरीर मैंने शंकर को दे दिया। और गुरुदेव एक बेलपत्री शिवजी पे चढ़ी हुई अपनी पोती से बेटों से बुलवाती
और उस बेलपत्री को जल के साथ खाना चालू कर दिया। दो कदम भी नहीं चल पाती थी क्योंकि कैंसर के ऑपरेशन इतने हुए थे। गुरुदेव, आज मैं इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रही हूँ, ये शिव की ही कृपा है, ये शंकर की करुणा। एक बात बहुत सुंदर आपने लिखा है शांति भाई जी, माता जी, कि गुरुदेव जांच भी कराई, अब डॉक्टर बोल रहा है तुम तो ठीक होती चली जा रही हो, ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है, अब बाबा की यह कृपा हुई है, यह करुणा। बैठो मां, बैठो, हर हर महादेव, ये शिव की कृपा है, ये शंकर की करुणा, ये शंकर की उदारता है, ये शंकर की दया है, ये शिव करुणा है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का काल, उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। शंकर की आराधना करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, शिव भक्ति में डूबने वाला, शंकर का अनुमोदन करने वाला कभी भी भटकता नहीं है। शिव उसको मार्ग तक पहुंचा ही देता है, पहुंचाएगा। जितना शरीर का वजन है, बहुत ध्यान दीजिएगा जरा, बैसाख शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा मिली है आपको सुनने के लिए, और बैसाख शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा यदि आप लोग श्रवण कर रहे हैं, चाहे आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे इस पावन पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, अगर श्रवण कर रहे हो तो ध्यान रखना, जितना शरीर का वजन है सत्तर किलो, 25 किलो, 20 किलो, 15 किलो, 50 किलो, उतना ही किलो के हिसाब से दस किलो है तो ये मन में भाव लगा लेना कि मुझे दिन भर में 10 बार भगवान को धन्यवाद देना है कि तूने ये शरीर दिया, चित्त वृत्ति दी, ये मन दिया, ये बुद्धि दी, ये पूरा जीवन मुझे दिया, ये आपकी कृपा से मिला है, आपको समर्पित है और आप ही को दे रहा हूँ। 10 किलो के हो तो 10 बार आप भगवान को